Good morning, students. In the previous class, we learnt about the partition of India, the problems that we faced, and also how the princely states were merged into the Indian Union. One of the biggest challenges that some of the princely states were not willing to enter into a negotiation with the Indian state, or they didn't want to join the Indian Union. And some of them had taken a decision that they would remain independent, like Hyderabad and Manipur and all. And then later on, we saw how they were included in the Indian Union. After the partition and after the merger of these princely states, the problem did not come to an end. There is one more problem now, that now India was one big country with different entities. अलग अलग तरह के लोग थे, एक देश तो बन चुका था, उसे यूनाइट कर लिया गया था, प्रिंसली स्टेट्स को शामिल कर लिया गया था, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर अलग अलग कल्चर, बहुत डाइवर्स कल्चर के लोग थे, एंड नॉट एवरी वन वॉज हैप्पी. ओके, दे आर नॉट को एग्जिस्टेड इन इंडिया बिफोर दैट. अलग अलग कल्चर के लोग ये कभी भी एक साथ एक ही रूलर के अंडर में नहीं रहे थे. अगर रहे भी थे तो इनका कल्चर बहुत लंबे पीरियड तक ऐसा नहीं हुआ था. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल व्हाट हैड हैपेंड इज दैट एवरीवन हैड एस्पिरेशन. सभी की अपनी उम्मीदें थी, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में सभी की अपनी उम्मीदें थी कि इंडिपेंडेंस के बाद उन्हें कैसा भारत चाहिए होगा. ओके, ना प्रॉब्लम जो था वो बेसिकली लैंग्वेज के आधार पर था. अगर हम देखें तो ये डिस्कशन पहले भी हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस हम उनके सेशन हुआ करते थे, एंड मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले से इन सब चीज़ों पर डिस्कशन कर चुकी थी. ज़्यादातर चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी एक तरीके से कंसेंसस बना हुआ था, आम राय बनी हुई थी. ओके, सो इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1946, मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाली थी उस पर आम राय बन चुकी. ओके, लाइक फेडरलिज्म, लाइक सेकुलरिज्म, कई सारी चीज़ों पर आम राय बन चुकी थी. ऐसे ही लाहौर के सेशन में, सॉरी नॉट लाहौर, सॉरी इट वॉज सेशन इन नागपुर. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन नागपुर इन 1920. ओके, इस सेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेशन बिकॉज ये सिविल डिसोबीडियंस यहाँ से लॉन्च होने वाला था और इस सेशन में ये डिसीजन लिया जा रहा था. लेकिन इस सेशन में एक और काम होगा, इस नागपुर के कांग्रेस सेशन में इन 1920 एक डिसीजन लिया गया कि जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट होगा और हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे, वो तो करना ही पड़ता है इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स से, तो जब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा तो उसका बेसिस जो होगा वो होगा लैंग्वेज. इन शॉर्ट कि हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर्म करेंगे. सो स्टेट्स विल बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. This was decided as early as 1920. काफ़ी पहले ये डिसीजन नहीं काम राय बन चुकी थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें थोड़ा प्रॉब्लम बने लगा. ये चीज़ जो कि हमने इतने पहले डिसाइड कर ली थी, उसको करने में फिर किस बात की रुकावट थी? रुकावट इस बात की थी दैट नोबडी हैड इमेजिन पार्टीशन. नाउ पार्टीशन हैड टेकन प्लेस एंड यूनिटी ऑफ इंडिया वो एक पैरामाउंट सुप्रीमेसी का क्वेश्चन बन चुका था. आप उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे कि एक पार्टीशन हो चुका है, वी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस कि इंडिया के कोई और भी पार्टीशन अब हो, कोई और डिमांड करे, कोई मूवमेंट हो और फिर इंडिया के कोई और भी पार्टीशन को करने पड़े. इसको प्रिवेंट करने के लिए नाउ कांग्रेस जो कि डिसाइड कर चुकी थी, देवर हेसिटेटिंग कि हमें लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए. एंड उन्होंने सोचा द बेस्ट थिंग इज अभी अभी पार्टीशन हुआ है, अभी भी कई सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं जो कि अभी इंडियन यूनियन में शामिल नहीं हुए हैं. हम देखते हैं कि 47 में से भी शामिल नहीं हुए थे, 48, 49 में हैदराबाद मणिपुर जैसे स्टेट्स शामिल होते रहे. तो इसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया कि हम स्टेट्स को बनाने का जो काम है वो थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, तब तक शायद एक पार्टीशन की जो पड़वाहट है हिंदूज एंड मुस्लिम्स में एंड बाकी देश में जो थोड़ा अनरेस्ट है, लेट दैट सेटल डाउन एंड देन वी विल डू दिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. बट सम पीपल दे थॉट कि मे बी
ये करना नहीं चाह रहे हैं, एंड उनके जो होप्स थे कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद उन्हें अपना राज्य मिलेगा, दे विल बी फॉर्म्ड इनटू अ स्टेट, दे लॉस्ट पेशेंस। ये मूवमेंट की शुरुआत होती है उस रीजन से, मेड्रास प्रोविंस बहुत बड़ा प्रोविंस था, इसमें अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, नॉट जस्ट तमिल। अभी तो ये तमिलनाडु स्टेट का एक सिटी है चेन्नई, बट उस समय मेड्रास एक प्रोविंस था, इसमें तमिल बोलने वाले लोग भी रहते थे एंड पीपल स्पीकिंग तेलुगु, दे वर ऑल्सो देयर। नाउ तेलुगु समहाउ पीपल इन दिस मेड्रास प्रोविंस, दे वॉन्टेड के हमें अलग कर दिया जाए, हमें अलग स्टेट दे दिया जाए, बिकॉज तमिलनाडु का जो कल्चर है, जो इनका लैंग्वेज है वो अलग है, हमारा कल्चर हमारी लैंग्वेज अलग है, सो वी शुड बी गिवन अ सेपरेट स्टेट। ओके, नाउ वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंड। सो द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड विद पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। नाउ द चैलेंज वॉज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। अब ये एक हमारे सामने चैलेंज थी कि इंटरनल बाउंड्रीज स्टेट्स को कैसे बनाए। ओके, इंडिया को फेडरल कंट्री होना था, इसका मतलब आपको स्टेट्स बनाने होंगे, बट स्टेट्स को किस तरह से फॉर्म किया जाए। As I told you that in Nagpur session of Congress in 1920, the principle was organized on the basis of language. कि जब भी हम ये काम करेंगे, language उसका आधार होगा और language के basis पर states reorganized किए जाएंगे। Many provincial Congress committees, Congress three से काम करती थी, उनकी जो provincial committees थी वो committees भी language के आधार पर बनी हुई थी। जो ब्रिटिश ने जो डिविजन्स बना रखे थे उसके बेसिस पे कांग्रेस नहीं काम करती थी, कांग्रेस ने जो अपने डिफरेंट जो ग्रुप्स बना रखे थे, जो डिविजन्स कर रखे थे अपने कांग्रेस के, उसको उनका बेसिस था लैंग्वेज। ओके, उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज बना रखी थी। ओके, थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। उसके बाद इंडिया कभी एक कंट्री बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये डर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान पार्टीशन एंड दिस राइट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आवर लीडर्स फेल्ट दैट कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू अ डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। फिर लोगों को केवल अपने स्टेट की चिंता होगी, उनमें यूनिटी पूरे देश के बाकी लोगों के साथ वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, दे विल ओनली बी कंसर्न विद देयर स्टेट्स एंड देयर पीपल। इस तरह से इंडियन यूनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब डर था द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। नाउ द इंडियन गवर्नमेंट वॉज नॉट वेरी कीन ऑन एस्टैब्लिशिंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नॉट दैट दे गिव अप देयर आइडिया, बट स्टिल दे वर रिलक्टेंट कि इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दे वर नॉट वेरी होपफुल। और कहीं ना कहीं बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स इस बात का जिक्र कर रहे थे कि नहीं, दिस कुड लीड टू ब्रेकिंग अप ऑफ द इंडियन यूनियन, और इंडिया के हिस्से ये बिखर जाएगा और इसमें पार्टीशन हो जाएंगे। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स, जब कोई उस डर की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। एक और रीजन द नीड फॉर पोस्टमेंट ऑल्सो फेल्ड बिकॉज द फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट बीन डिसाइडेड। सभी प्रिंसली स्टेट्स अभी भी इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं बने थे, इसलिए इसको डिले करना ही ठीक समझा गया, एंड द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल अफ्रेश। ओके, तो हम देखते हैं कि कांग्रेस जिसने 1920 में डिसाइड कर लिया था, वो यहाँ पर 1948 में भी 47 के बाद भी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किस बेसिस पर होगा। ओके, सो दे डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मैटर्स। इस पोस्टपोनमेंट के बाद कुछ कम्युनिटीज में, कुछ लोगों में ये लगने लगा कि शायद ये चीज़ कांग्रेस करना ही नहीं चाहती है। So the decision of the national leadership was challenged by the local leaders and the people. Protests began in the Telugu-speaking areas of the old Madras province. ये province मैंने बताया कि इसमें अभी जो present है तमिलनाडु है, वो part था Madras province में, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, so it was a huge province और इसमें कई अलग अलग languages बोलने वाले लोग शामिल। इन लैंग्वेजेस में बोलने वालों में से सबसे एग्रेसिव थे तेलुगु बोलने वाले। पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश दे स्पीक तेलुगु, तमिलनाडु दे स्पीक तमिल,
and in Karnataka and mostly these southern states, इनकी सबके अपने अपने लैंग्वेज है. मलयालम इज स्पोकन इन केरला. ओके, सो दे हैव देयर ओन लैंग्वेजेस नाउ, बट देन दे वर मोस्ट ऑफ देम वर पार्ट ऑफ वन सिंगल प्रोविंस कॉल्ड द मेट्रोस प्रोविंस. और इस मेट्रोस प्रोविंस का रीऑर्गेनाइजेशन होना था. ओके, नाउ द डिमांड ऑफ एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया एंड दैट मूवमेंट वॉज कॉल्ड विशाल आंध्रा मूवमेंट. दिस मूवमेंट विशाल आंध्रा मूवमेंट, और ये आंध्र प्रदेश के लिए मूवमेंट था. तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया और वो चाह रहे थे कि उन्हें एक अलग स्टेट दे दिया जाए आंध्र प्रदेश. वहाँ के कांग्रेस के जो लीडर थे, दिस वॉज हिज नेम पुट्टी श्री रामुलु. ओके, तो ये वहाँ के लीडर थे कांग्रेस के, और इन्होंने फास्ट करना शुरू कर दिया. ओके, प्रॉब्लम वॉज आफ्टर 56 डेज ऑफ फास्टिंग ही डाइड. ओके, नाउ आफ्टर डेथ दिस मूवमेंट बिकेम वायलेंट. तो एक वहाँ के पॉपुलर कांग्रेस लीडर, उन्होंने इस कॉज के लिए कि तेलुगु बोलने वाले लोगों को एक अलग स्टेट दिया जाए, उसके लिए उन्होंने फास्ट करना शुरू कर दिया. एंड 56 डेज के फास्टिंग के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वो फास्टिंग करते रहे. एंड आफ्टर 56 डेज ऑफ फास्टिंग ही डाइड. ओके, एंड हिज पीपल अदर पीपल अदर तेलुगु स्पीकिंग पीपल दे गॉट वायलेंट. ओके, ये मूवमेंट जोर पकड़ गया डेफिनेट स्ट्राइक के बाद. इट लेड टू द डेथ ऑफ दिस लीडर पोटी श्री रामुलु. ओके, पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक टू दी स्ट्रीट्स. मेनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग. इन मेट्रोस सेवरल लेजिस्लेटर्स रिजाइन्ड देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट. फाइनली द प्राइम मिनिस्टर हैड नो चॉइस एंड ही अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1952. लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश इन 1952. ओके, द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952. ये जल्दी में करना पड़ा बिकॉज वहाँ पर ये प्रोटेस्ट था, इसको खत्म करने का कोई और तरीका नहीं था. बट नाउ एक स्टेट बन गया लैंग्वेज के बेसिस पर, तो क्या होगा, बाकी भी डिमांड करेंगे. इसीलिए द गवर्नमेंट न्यू इसको डिले करना पॉसिबल है नहीं, इस प्रॉब्लम से नहीं बचा जा सकता. एंड दे डिसाइडेड टू कमीशन इसके लिए बनाएंगे. ओके, द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग द अदर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब बाकी लोग हैं जो बंगाली एसमीज एंड उड़िया एंड एवरी वन अलग अलग जो ग्रुप्स थे लैंग्वेज वाले, उन्होंने भी स्टेट्स डिमांड करने शुरू कर दिए. सो द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. कमीशन एक टीम बिठाई गई और इस टीम का काम था इन चीज़ों को एनालाइज करना है, गवर्नमेंट के सामने एक तरीके का प्रपोजल रखा कि किस तरह से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए. सो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 उसको अपॉइंट किया गया. बेसिकली कांग्रेस अपने उस डिसीजन को एक तरीके से क्रॉस चेक कर लेना चाहती थी कि क्या इसे करना सही होगा. तो कमीशन बैठाई गई 1953 में, जस्ट 52 में आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म्ड एंड 53 में एक कमीशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो वही रिपोर्ट थी कि यस लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. एंड 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनके तैयार हो गया. ओके, तो 52 में आंध्र प्रदेश बनाया गया. उसकी मजबूरी ये थी कि वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे थे. उसके बाद कमीशन बैठा 53 में, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और फिर एक एक्ट बना स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956. ओके, दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स. नाउ इस एक्ट के तहत 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई. ओके, हाउ मेनी 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न, अब यहाँ ये कंसर्न कि इंडिया डिसइंटीग्रेट होगा, इसका यूनिटी पे क्या असर पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, दिस कुड प्रूव टू बी अ बैड स्टेप एंड दीज थिंग्स फॉर ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल वर कंसर्न. इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स मे फॉस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर्स ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन.
It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separation would be reduced. लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी था कि लोगों के अगर हम ये एस्पिरेशन को पूरा कर दें और लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बना दें, देन प्रोबेबली वो फिर सेपरेशन की डिमांड नहीं करेंगे और इससे इंटीग्रिटी बनी रहेगी। तो दोनों एस्पेक्ट थे कि कुछ भी हो सकता है, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। फ्रैंकली अभी कुछ भी कहें एनालिस्ट, बट एट दैट टाइम नोबडी कुड प्रेडिक्ट दैट दिस इज द राइट मूव। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल दे थॉट कि ये सही स्टेप नहीं है, बट बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन वी हैड टू टेक दिस रूट। ओके, नाउ नाउअडेज इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी फील कि वो स्टेप जो कि हम इसके लिए होपफुल नहीं थे, एंड दैट इज प्रूव टू बी फ्रूटफुल। इसने इंडियन डाइवर्सिटी को बढ़ा के रखा है, और जो एक यूनिक वर्ड यूज होता है इंडिया के लिए, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एंड वो ये वो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग वो स्टेट्स में हैं, लेकिन फिर भी दैट इज गिवन बूस्ट टू द इंडियन यूनिटी। ओके, अबव ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। हमने माना कि अलग अलग लोग हैं तो डाइवर्सिटी को बनाए रखना चाहिए। व्हेन वी से दैट इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, हमारा डेमोक्रेसी का मतलब केवल ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन करा देना और गवर्नमेंट बना देना। फॉर अस अ डेमोक्रेसी मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज, जो अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, उन सबको रिकग्नाइज करना, लैंग्वेजेस को, ये हमारे लिए डेमोक्रेसी का मेन मतलब है। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वॉज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क। बाकी स्टेट्स को अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स लाइक एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ, वो था बॉम्बे प्रोविंस में। बॉम्बे प्रोविंस में दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, एक गुजराती एंड वन द अदर्स वर मराठीज। ओके, नाउ कुछ समय के लिए उन्होंने एक साथ कि मे बी दिस स्टेट ऑफ बॉम्बे दिस विल सर्वाइव, ए प्रोविंस इसको शायद एक ही बना रहे और दोनों कम्युनिटीज को एग्जिस्ट करते रहे, बट ये खैर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट काम नहीं है। एंड आफ्टर पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र वर क्रिएटेड इन 1960। ओके, तो कुछ समय तक बॉम्बे प्रोविंस बना रहा, लेकिन फिर बाद में इसे भी डिवाइड करना पड़ा इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात, बिकॉज इसमें टू मेजर कम्युनिटीज जो थे वो थे गुजराती स्पीकिंग एंड मराठी स्पीकिंग पीपल, एंड बाय 1960 यहाँ पर भी इन्हें अलग करना पड़ा। देखो अदर स्टेट्स विच आर फॉर्म्ड बाद में, हम देखें तो पंजाब वॉज अ लार्ज स्टेट, एंड वहाँ पर पंजाबी बोलने वाले लोगों के साथ साथ बाकी भी थे। ओके, फिर इसे अलग किया गया, पंजाब में से दो स्टेट्स को अलग किया गया, वो थे हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि पंजाब में ही आता था हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, इन दोनों स्टेट्स को अलग कर दिया गया। पंजाब को ऑलरेडी था ही, बट पंजाब एक छोटा स्टेट हो गया, उसमें से एक पार्ट हरियाणा निकल गया और एक पार्ट हिमाचल प्रदेश। यही रीजन है कि दोनों की जो कैपिटल चंडीगढ़ हुआ करती थी वो कैपिटल शेयर कर दी गई। ऐसा ही कुछ होने वाला था तेलंगाना एंड हैदराबाद के केस में, और देन फिर हैदराबाद को शेयर नहीं किया गया। ओके, सो स्टेट हुड फॉर पंजाब केम 10 ईयर्स लेटर इन 1966। पंजाब का थोड़ा और डिले हो गया, 1966 में पंजाब बन पाया, जब उसमें से हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश के टेरिटरीज को निकालकर उन्हें अलग स्टेट्स बना दिया गया। ओके, असम 1972 में जाकर बना, नागालैंड पहले बन चुका था, नागालैंड वॉज फॉर्म इन 1963, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम अप एज लेट एज 1987। तो सभी स्टेट्स एक साथ नहीं बन गए थे, जो 19 जो एक्ट है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें 14 स्टेट्स एक साथ फॉर्म हुए थे, एंड उसके बाद फिर बाकी जो स्टेट्स हैं लाइक बॉम्बे प्रोविंस को डिवाइड किया, गुजरात महाराष्ट्र बाद में बने, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश देवो फॉर्म लेटर, असम नागालैंड मिजोरम ऑल दीज स्टेट्स वर फॉर्म लेटर ऑन। ओके, मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972। तो ये कुछ स्टेट्स, आंध्र प्रदेश 52, महाराष्ट्र 1960, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश द फॉर्म इन 1966, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अलग अलग डेट है, नागालैंड वॉज
the Nagaland Hills, I have not mentioned Nagaland Valley, but we have the 1963 men. Okay. And in 87, Arunachal Pradesh was formed, Meghalaya was formed in 1972. So these are the different dates. ये सिलसिला अभी भी नहीं रुका है. बाद में लैंग्वेज के बेसिस पर जब स्टेट्स बन गए, बाद में फिर और भी इसके बेसिस बने. कल्चर बिकेम दी बेसिस, डेवलपमेंट बिकेम दी बेसिस. बाद में जब देखा गया कि कुछ रीजन्स उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, दे आर फॉलिंग बैक, फिर उनके डेवलपमेंट का कंसर्न को लेकर स्टेट्स बनाए गए. और ऐसा ही हुआ, तीन स्टेट्स फॉर्म हुए इन 2000, और उसमें यूपी से एक स्टेट निकला उत्तराखंड, बिहार को डिवाइड किया गया, उसमें से झारखंड फॉर्म किया गया, छत्तीसगढ़ वाज फॉर्म आउट ऑफ मध्य प्रदेश 2000. स्टिल दे आर फ्रेश डिमांड्स कि अभी भी और स्टेट्स बनाने की ज़रूरत है. यूपी इज स्टिल अ वेरी लार्ज स्टेट, एंड यूपी का जो प्रोग्रेस है, स्पेशली द ईस्टर्न यूपी इज नॉट प्रोग्रेसिंग मच. इसके भी सम सजेस्ट दैट दे शुड बी फोर पार्ट्स. समटाइम्स दे टॉक अबाउट हरित प्रदेश एंड डिफरेंट रीजन्स हैं इसके, ओके, और जिसमें डिवाइड करने की बात होती है, दैट यूपी शुड एटलीस्ट बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. इट्स अ लार्ज स्टेट एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज मोर देन 23 crores ऑफ पीपल. लार्ज पॉपुलेशन कैनॉट बी गवर्न बाय अ सिंगल स्टेट गवर्नमेंट, सो मोर स्टेट्स नीड टू बी फॉर्म. उधर महाराष्ट्र इज अ लार्ज स्टेट, एंड वहाँ पर विदर्भ रीजन जो कि उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है. विदर्भ रीजन वही है जहाँ पर कई बार ड्राउट होता है, एंड यहाँ के कई बार के सालों में हम देखते हैं लार्ज नंबर्स में यहाँ पर सोसाइटी केसेस आते हैं. सो दिस रीजन हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड एज द अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज प्रोग्रेस. तो इस विदर्भ रीजन को भी अलग करने की बात है. वेस्ट बंगाल में भी जो नॉर्दर्न रीजन है उसको सेपरेट करने की बात है. तो देर आर स्टिल दिस प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिल स्टेट्स इज स्टिल कंटिन्यूइंग. लास्ट हमने देखे थे 2000 में स्टेट्स फॉर्म हुए थे, बट दैट इज नॉट द एंड. प्रोबेबली अदर स्टेट्स विल ऑल्सो बी फॉर्म बिकॉज सम स्टेट्स आर स्टिल वेरी लार्ज एंड वहाँ पर डेवलपमेंट इवन नहीं. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटिक्स में, इसको समझना. ओके, सो दिस स्टेप एक जो स्टेप जिसे इंडियन गवर्नमेंट लेने में थोड़ा हमें डर था कि कहीं और पार्टीशन नहीं हो, फाइनली दे डिसीजन प्रूव्ड राइट. ओके, सो दिस वॉज अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टुडेज टॉपिक. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इन अ न्यू चैप्टर. ओके, बिफोर आई स्टार्ट इट, प्रोबब्ली आई विल चेक दिस सिलेबस वेदर दिस एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इज देयर इन द कोर्स ऑफ. ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल इन दिस.